श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री समर्थ स्वामी अर्थात अक्कलकोट के स्वामी, इनका कार्यकाल 1900 सेंचुरी में था। इनका कार्यकाल ईस्वी सन 1856 और 1878 22 साल का था। इन्होंने महाराष्ट्र के अक्कलकोट में बहुत ज़्यादा काल प्रतीत किया। ऐसा माना जाता है कि नरसिंह सरस्वती के पश्चात समर्थ महाराज ये दत्तात्रेय का तीसरा अवतार है। उनका संप्रदाय दत्त संप्रदाय था, उनकी भाषा थी मराठी। उनका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र और कर्नाटक में उन्होंने दत्त संप्रदाय का प्रचार किया। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वचन है जो मराठी में, जिसको वो अपने भक्तों को कहते हैं कि भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी है, भ्यू नकोस मी तुझा पाठीशी। इसका मतलब ऐसा होता है कि आप डरो नहीं, मैं आपके पीछे हूँ। इसका मतलब ऐसा होता है कि आप डरो नहीं, मैं आपके पीछे हूँ। ऐसा माना जाता है कि स्वामी समर्थ विद्यमान श्री शैल्य के नज़दीक जंगल में प्रकट हुए और तिथुन उधर से उन्होंने ऐसे हिमाचल में भ्रमण किया। श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। ऐसे माना जाता है कि श्री समर्थ महाराज ये आंध्र प्रदेश स्थित शैलम क्षेत्र नज़दीक करदरी वन से प्रकट हो गए और उसके बाद वो अक्कलकोट में आ गए। अक्कलकोट में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपना कुछ समय खंडोदा बाके मंदिर में व्यतीत किया। वो दिन था 6 अप्रैल 1856 और तभी रविवार था। श्री समर्थ स्वामी का वर्णन ऐसे भी किया जाता है कि सबसे बड़ा गुरु का दास और उससे भी बड़े गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज। तसे वैसे उन्होंने अपने भक्तों को अभयदान दिया, उनको मार्गदर्शन किया और वो हमेशा अपने भक्तों को कहा करते थे कि आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप डरो नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अवधूत चिंतन से गुरुदेव दत्त देव दत्त श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी महाराज श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में उन्होंने शेगांव के श्री गजानन महाराज और शिरडी के श्री साई महाराज इनको दीक्षा दी। उसके बाद स्वामी जी पंढरपुर माहौल ऐसे करते हुए सोलापुर में आ गए। वहाँ पे उन्होंने मंगलवाड़े नामक गांव में कुछ समय व्यतीत किया। वहाँ उन्होंने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को मार्गदर्शन किया, उनको भय मुक्त किया, उनको दुख मुक्त किया। वहाँ के एक सदगुरु रामानंद बिड़कर महाराज, इनको भी स्वामी जी ने दीक्षा दी। आज वो उनके बहुत बड़े शिष्य माने जाते हैं। 1856 में स्वामी जी ने अक्कलकोट में प्रवेश किया। अक्कलकोट में उन्होंने 22 साल व्यतीत किए। इन 22 साल में उन्होंने बहुत जन को मार्गदर्शन किया। वही अक्कलकोट आज एक तीर्थ क्षेत्र अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेक जन को दीक्षा देके, अनेक जन को मार्गदर्शन करके श्री समर्थ स्वामी ने अपना काल 1878 में समाप्त कर दिया। लेकिन ऐसे माना जाता है कि उनका कार्य अभी भी शुरू है। वो भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं, भक्तों के दुख निवारण करते हैं, भक्तों के वो हमेशा पीछे रहते। वो अपने भक्तों को हमेशा कहा करते थे कि भीवनकोस्मी तुझा पाठीशी, अर्थात आप डरो नहीं मैं आपके पीछे हूँ। अवधूत चिंतन से